वैसे तो हम हर साल बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को सम्मानित भी करते हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, पर इस समय आपको बताया हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो उस चक्कर में हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और बाकी महामारी ना बढ़े और लोगों से ना फैले, इस चक्कर में हमने छोटा सा खाली अपना फूल पुष्प अर्पित किए और एक खीर का प्रसाद बना के हमने लोगों में बांटा। किस तरीके के लोगों में बांटा गया, क्योंकि भीड़ तो लगाना मना ही है। जो लोग जो अभी स्कूल में खाना लोग लेने आते हैं उनके लिए हमने पहले ही गोले बनवा रखे हैं एक मीटर की दूरी पे, उन्हीं लोगों को, जैसे मजदूर तबके के लोग वहाँ पे आते हैं उन्हीं लोगों को हमने बांटा है, जिससे कि थोड़ा दूरी भी बनी रहे और किसी को खतरा ना फैले। अच्छा विनीत जी, इतना बड़ा महामारी का खतरा फैला हुआ है, बाबा साहेब की जयंती भी है, जो लोग बेफिजूल में बाहर घूम रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो वो लोग किसी और को धोखा नहीं दे रहे, जैसे पुलिस आती है वो देख के भाग जाते हैं फिर वापसी आते हैं, वो किसी और को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा देने और अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं, कल को उनको होगा तो उनसे उनके घर वालों को होगा, पर जब समय बीत जाएगा तो लोगों को समझ में आएगा, अभी समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक ही अपील है कि फालतू में ना घूमे, घर परिवार में रहें, तो इससे आपको ही फायदा। लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है, इस पर क्या कहना है आपका? जो 3 महीने तक कर दिया गया है, 3 महीने तक लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा और कोई सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा। पब्लिक आप देखेंगे भी, इधर भी देखेंगे तो कितना बिल्कुल घूम रही है और पुलिस आपको बताइए लापता है, जितने भी लोग संभाल रहे थे सिविल डिफेंस के लोग संभाल रहे हैं और पब्लिक मानती नहीं है, तो लॉकडाउन तो बढ़ाना ही था। आज जैसे कि आज सबको पता है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, 129वीं जयंती, हम हर साल धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस टाइम कोरोना वायरस के चक्कर में और थोड़ा हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस टाइम पे हमने कोई ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं करा। आप देख सकते हैं हमने आज खीर का प्रसाद बनाया था, वो उसको बांटा, लेकिन जो हर साल हो पाती है वो इस बार नहीं हो पाई कोरोना वायरस के चक्कर में। कोरोना वायरस के चक्कर क्या सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया, उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया सब कार्यक्रम? उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने सब कुछ कराए। आप देख सकते हैं जैसे हर इस बार कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में, ताकि भीड़ भाड़ ना हो, लोगों से एक दूसरे को बीमारी ना फैले, इस चक्कर को हमने इस बार ऐसे छोटा सा प्रोग्राम रखा है बस।